नमस्कार दोस्तों, मैं रुंजा आपके सामने फिर एक बार सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। चूँकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको 85 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, अब मैं 86 से आपको 120 तक यहां पर क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि इस पेपर में आपके टोटल 70 टेक्निकल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि वेरियस एग्जाम में आए हुए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ध्यान से इसको लगाइएगा, ये टेक्निकल पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए, मेरे सभी छोटे भाइयों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो आप देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कौन से इसमें से जो है वो थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करेगा? तो आपको पता है दोस्तों, टेलिंग थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में काम करता है। इसमें समेशन ऑफ ओवरऑल जो पावर होती है वो किसके इक्वल होगी? जीरो के होगी, ठीक है। सब्सटीट्यूशन थ्योरम किस में अप्लाई करते हैं? तो सब्सटीट्यूशन थ्योरम अप्लाई करते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए, ओके। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप रट लीजिए, बहुत एग्जाम में आया। कभी भी लीनियर वेरिएबल हो, नॉन वेरिएबल हो, या इनवेरिएंट हो, है ना, टाइम वेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट हो, लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव, कोई भी कंडीशन, ये सबके लिए काम करता है टेलिंग थ्योरम, क्लियर। किरचॉफ, बट इसमें किरचॉफ लॉ नॉट वायलेटेड, किरचॉफ लॉ नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, एसी सोर्स डिलीवरिंग अ पावर ZL इक्वल टू 4+J3, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द सोर्स इम्पीडेंसेस। तो मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफर होगी तो सोर्स इम्पीडेंस कितना होगा? दोस्तों आपको पता है कि ZTH इक्वल टू आपका होता है ZL, ZTH का स्टार इक्वल टू ZL। तो ZTH का स्टार मीन्स है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ZL इक्वल टू आपका हो जाएगा 4-J3, आपको ZL अगर 4+J3 दिया, ZTH हो जाएगा 4-J3, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अगर ये दिया तो इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर देंगे, ये दिया तो ये, कोई इशू नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरेलल सर्किट हैज़ टू ब्रांच, इन वन ब्रांच आर एंड एल इन सीरीज, इन अदर ब्रांच आर सी इन सीरीज, द एग्जिबिट यूनिट पावर फैक्टर व्हेन। तो क्या होगा इसमें, हमें बताने हैं यूनिट पावर फैक्टर केस में। तो दोस्तों ये रिलेशन अभी मैंने बताया, अगर ये पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन RLRC का बनता है तो सॉल्यूशन होके इसके बीच RLC का रिलेशन आता है, R=√L/C। इसके बाद मैं आगे पेपर सॉल्व करूंगा, आपको आगे का सॉल्यूशन देने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन दिया, उसके बाद आप इससे समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर रिलेशन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। पावर इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है इसमें से? तो आप अगर ध्यान से देखें, आपको पता है कि BI cos φ, BI star रियल पार्ट हो गया आपका cos φ, BI एक हो गया आपका B star। देखिए यहाँ पर इसमें से एक होता है BI cos φ, एक होता है BI sin φ। तो रियल पार्ट ऑफ BI cos φ BI cos φ, है ना। तो यहाँ पे ये स्टार लगा दिया गया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर नॉर्मल में देखूँ, ये भी गलत हो गया, इसमें देखूँ, इसे देखूँ तो ये भी गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? इसमें बोला गया है, ध्यान से देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन पावर इज नॉट करेक्ट, ये रिलेशन नहीं है, ये है आपकी रिलेटिव पावर, ठीक है, नॉट करेक्ट। तो रिलेटिव पावर करेक्ट कौन सी है? ये वाली, ये तीनों ही करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। इसके केस में हम लगा देंगे इसे ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द रेजोनेंट कर्व इन द RLC नेटवर्क इज डिटरमाइंड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो RLC के लिए बात कर रहा हूँ रेजोनेंस में, तो इसके लिए क्या होगा? तो सारी चीज़ें आती हैं, R भी आता है, L भी आता है, C भी आता है। अगर आपको R दिया है इस प्रकार से, तो इम्पीडेंस पैरामीटर आपको निकालना है, तो ओपन सर्किट ये इम्पीडेंस आपको निकालना है। ओपन सर्किट मीन्स, यानी कि आपको इसमें ओपन सर्किट का मीन्स ये हो गया, आपको जेड पैरामीटर्स में निकालना है। तो दोस्तों जेड पैरामीटर निकालना है तो कैसे निकालना है? मैंने प्रीवियस एक वीडियो डाले हुए हैं, उसमें आपको सारा ये निकाल के दिखाया, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं? जैसे आपको अगर Z11 निकालना है, Z12 निकालना है, Z21 निकालना है, या Z22 निकालना, तो Z11 क्या होता है? ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इनका एडिशन, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, 0+R, तो यहाँ पे हो गया R। फिर यहाँ पे ये होता है आपका सिर्फ R। फिर आप अगर Z21 निकालेंगे, ये भी AR होता है, और Z22 क्या होता है? R प्लस ये वाला रेजिस्टेंस, तो ये तो 0 है, तो सारा R हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, टू पोर्ट नेटवर्क इज रेसिप्रोकल इफ एंड ओनली इफ। रेसिप्रोकल कौन सा? Z1 इक्वल टू Z22 नहीं, ये सिमेट्री कंडीशन है।
AD माइनस BC इक्वल टू 1 होता है, तो BC माइनस AD इक्वल टू माइनस 1, ये रेसिप्रोकल ये सही है। Y12 बराबर माइनस Y21, दोस्तों ये भी गलत हो गया क्योंकि Y12 बराबर Y21 होता है माइनस में नहीं, H12 बराबर माइनस H21 होता है, लेकिन ये प्लस में लिखा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है ना दोस्तों, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसमिशन पैरामीटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इनमें से कौन सा सत्य होगा, तो 95 क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ए डी आर द डायमेंशनलेस। आप याद कर लीजिए बिल्कुल, इफ़ द कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट इन सच दैट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स ऑफ द ओवरऑल नेटवर्क इन द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसमिशन मैट्रिक्स ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन एज इट, तो किस प्रकार का कनेक्शन होगा, तो इसमें कनेक्शन जो है ये आपका कास्केड कनेक्शन, ठीक है ना। आपको पता है कि जब भी मैं यहाँ पे बात करता हूँ ए बी सी डी या ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन में कास्केड कनेक्शन होता है, जेड की बात करता हूँ सीरीज होता है, बाय पैरामीटर की बात करता हूँ पैरेलल कनेक्शन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है, फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क शोन द पैरामीटर बाय वन टू इज इक्वल टू, तो बाय वन टू इज इक्वल टू किसके होगा, तो आपको पता है बाय वन टू की अगर मैं बात करता हूँ, बाय वन टू क्या होता है, बाय सी सी, बाय सी सी, क्योंकि बाय वन वन इन दोनों का एडिशन होगा, ये आपको बाय वन टू, बाय टू वन और बाय टू टू, ये हो गया, इसका हो गया बाय सी, यानी कि ऑप्शन, और ये किस में होगा आपका, माइनस में होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 98, मैक्सवेल डाइवर्जेंस इक्वेशन, दोस्तों बिल्कुल कंटेस्ट होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है, डेल डॉट बी इक्व टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट द इक्वेशन डेल इन टू इक्व टू माइनस डेल बी अपन डेल टी, ये कौन सी इक्वेशन है, तो हम लोग कई बार ये पढ़ चुके हैं, मैंने इसमें वीडियोज़ वगैरह बनाए हुए हैं, आप मेरे देख सकते हैं वीडियो, मैं लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप उनको बहुत अच्छे से समझिएगा, और हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो अगर चाहें तो उसमें मैंने डीपली इसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेट में पढ़ाया हुआ है, तो फेराडे लॉ होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पॉइंटिंग थ्योरम द वेक्टर प्रोडक्ट ई इंटू एच इज मेजर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ई इंटू एच होता क्या है, ये क्या दर्शाता है ई इंटू एच, इसमें ये पूछा गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया, ये एनर्जी फ्लो दर्शाता है, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एंड वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल ए रिलेटेड एज, ये दोनों कैसे रिलेशन में हैं, ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा ए, क्योंकि बी बराबर आपका होता है डेल क्रॉस ए, ठीक है ना, ये आप याद करना है आपका, ये हो गया। नेक्स्ट है, नो रिफ्लेक्शन कंडीशन अ वर्टिकली पोलराइज वेव शुड बी इंसिडेंट एट द इंटरफेस बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक हैविंग अ एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू 9, द इंसिडेंट एंगल कितना होगा, दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इंसिडेंट एंगल आपसे पूछा गया है, तो इंसिडेंट एंगल का फॉर्मूला होता है फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1, तो टेन इनवर्स या अंडर रूट 9 अपॉन 4, यानी कि टेन इनवर्स 3 अपॉन 2, ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों इसकी थोड़ी लाइट डिम है क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है और मैं इस टाइम पे इंस्टेंटली वीडियो बना रहा हूँ कि आपको एक अच्छा आउटपुट मिल पाए आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि आरआरबी जेई भी आ रहा है, ठीक है ना। आज ये वीडियो मैं 29 अगस्त को बना रहा हूँ, तो आप इस पर केयर करिएगा, ध्यान से देखिएगा, और एसएससी जेई हुआ, एनपीसीएल हुआ, एनएफएल हुआ, बीएसएनएल हुआ, या इसके अलावा जितने भी हमारे जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से लेके, इसमें आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है, यकीन मानिएगा, बस आप इसे अच्छे से लगाइएगा। जैसे 103 क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव आर ट्रांसवर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव जो ट्रांसफर होती है ये क्या होता है, कौन सा माध्यम होता है, तो ये होता है आपका, ये रिफ्लेक्शन है या डिफ्रेक्शन है, इंटरफेसिंग है, पोलराइज है, तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं तो पोलराइजेशन होता है, तो इसमें हो गया ऑप्शन, इसमें ऑप्शन दिया है डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पोलराइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट है, फॉर द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या होगा, तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है इसमें कि आपको पता है, देखिए सीरीज रेजिस्टेंस होता, इंडक्टेंस होता, और कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस आपके पैरेलल में लगे होते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, ये आर है, ये एल है, ये सी है, तो क्या होता है, सीरीज रेजिस्टेंस जीरो करना पड़ेगा और शंट कंडक्टेंस आपको इनफाइनाइट करना पड़ेगा, अगर ये दोनों आप कर लेंगे, शंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट, सीरीज रेजिस्टेंस आर, तो ये लॉसलेस होता है, ठीक है, लॉसलेस ट्रांसमिशन। तो ऑप्शन हो गया आपका 1 और 3, तो 1 3 सॉरी कौन सा हो जाएगा इसमें से, 1 2 ना, इसमें हो जाएगा सीरीज रेजिस्टेंस जीरो और सीरीज कंडक्टेंस भी जीरो, दोनों जीरो, याद करिएगा, जीरो होगा तो आपको पता है ये ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, और ये जीरो में कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो ओनली इंडक्टेंस कैपेसिटेंस बचेगा, ठीक है, दोनों जीरो होगा, ऑप्शन 1 और 2 होगा, तो 1 और 2 में ये दिया, ऑप्शन ए इसका है। क्लियर है ना। एक कॉस टू लेमडा वाई फोर ट्रांसफॉर्मर इज यूज फॉर, तो इसका क्या होगा, 105 अगर मैं देखूँ तो लेमडा फोर बाई फोर ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग करेंगे,
तो इसमें उपयोग करेंगे ये हो जाएगा आपका ये कनेक्टिंग हाई इम्पीडेंस लोड टू लो इम्पीडेंस लोड। तो कुछ क्वेश्चन इसमें आपको बिल्कुल याद करना पड़ेंगे, ठीक है, कंसेप्चुअल है बिल्कुल। डिस्टॉर्शन इन द ट्रांसमिशन ऑफ अ कैरियर फ्रिक्वेंसी इन अंडरग्राउंड केबल इज एलिमिनेटेड बाय, ठीक है, मैं इसे पावर सिस्टम क्वेश्चन बोल सकता हूँ कि अंडरग्राउंड केबल एक दी गई है उसमें जो कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है उसमें डिस्टॉर्शन जो आएगा, ठीक है, तो ये किसके द्वारा आएगा, इंडक्टिव लोडिंग, रेजिस्टिव लोडिंग, कैपेसिटिव लोडिंग या फिर शील्डिंग, तो किसके द्वारा ये आता है, तो ये दोस्तों आता है इंडक्टिव लोडिंग के कारण, इंडक्टिव क्योंकि हल्की सी मैग्नेटिक फील्ड होती है। 107 देखिए इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला बताना है आपको कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस लोड के फॉर्म में, दोस्तों याद कर लीजिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। नेक्स्ट, फॉर द ट्रांसमिशन लाइन लोड मैचिंग ओवर अ रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी इट इज बेस्ट, बेस्ट मेथड कौन सा है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो ये होता है आपका डबल स्टब, डबल स्टब याद कर लीजिए। इन आइडियल ट्रांसमिशन लाइन द मैच लोड द वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये कितना होना चाहिए, VSWR और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो ये दोनों की वैल्यू होना क्या चाहिए, क्योंकि इसका रिलेशन क्या होता है, VSWR बराबर होता है 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपन 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है ना, सॉरी 1 प्लस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपन 1 माइनस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है फॉर्मूला। तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, VSWR रेंज कहां से कहां तक वेरी करेगी, इसमें ये पूछा गया। तो दोस्तों इसकी जो रेंज होती है ये आपका होता है 1 और इसकी जो रेंज होती है नॉर्मली 0, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट। VSWR 3 मैग्नीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब इसे कैसे करोगे आप, ठीक है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे देखेंगे, देखिए नॉर्मल अगर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पूछा इसका रिलेशन, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बराबर होता है VSWR माइनस 1 अपॉन VSWR प्लस 1, तो अब रख दो 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो 2/4 यानी कि 1/2, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्यूरेसी क्या होता है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस को एक्यूरेसी बोलते हैं, मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है ये मेजरमेंट में, बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाया हुआ है, लेक्चर्स देखिए। क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू इंडिकेटेड बाय इट टू करेक्ट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, ओके ए ऑप्शन। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। हॉरिजॉन्टली माउंटेड मूविंग आयरन, तो हॉरिजॉन्टली माउंटेड की बात करेंगे तो इसके केस में क्या होगा, इसमें यूज करते हैं एयर फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टली माउंटेड में, ठीक है। हॉरिजॉन्टली माउंटेड मतलब हो गया कंट्रोल स्प्रिंग एयर फ्रिक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर डज नॉट एग्जिबिट स्क्वायर लॉ, इसमें से किस में नहीं होता, मूविंग कॉयल में, मूविंग आयरन में, डायनोमीटर, हॉट वायर, मूविंग कॉयल में नहीं होता, PMMC क्योंकि DC पे वर्क करता है ओनली और एक ही करंट होगा इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, मूविंग कॉयल परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेजर्ड बाय, तो मूविंग कॉयल परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहा है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल PMMC की, तो ये ओनली DC पे काम करता है। देखिए हाउ कैन रेजोल्यूशन ऑफ द वायर बाउंड पोटेंशियोमीटर वी इम्प्रूव्ड, इसमें कौन सा होगा, तो ये हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट, रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस वायर। नेक्स्ट है नेगेटिव लॉजिक एंड गेट शोन, नेगेटिव लॉजिक एंड गेट को हम लोग बोल देते हैं नॉर्मली इसमें नॉर गेट, क्या बोलते हैं नॉर गेट, और नेगेटिव लॉजिक और गेट को बोलते हैं नैंड गेट, ये आपको क्लियर करना है। तो नेगेटिव लॉजिक एंड गेट था तो नॉर हो गया, नेगेटिव लॉजिक और गेट होता तो नैंड गेट होता, क्लियर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट एंड और रियलाइजेशन, तो एंड और रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सा हो गया, ऑप्शन डी नैंड रियलाइजेशन, ठीक है, एंड और को नैंड। द साउंड सिग्नल इन TV ब्रॉडकास्ट मॉड्यूलेटेड, तो TV ब्रॉडकास्ट में हम किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर। दोस्तों यहाँ पे मैं जो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बार बार बता रहा हूँ, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पेपर को अच्छे से लगाइए, वीडियो जितना आप सेंड कर पाएँ, दूसरों को शेयर कर पाएँ, भेजिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि इससे मुझे और भी चीज़ें क्लियर हो कि हाँ कि आप लोग इसमें बिल्कुल रुचि ले रहे हैं, तो मैं और भी पेपर का सॉल्यूशन इसमें डालूं। और नई सीरीज से मैं एक नई सीरीज लेकर आया हूं अभी कुछ टाइम में लेके आने वाला हूं सितंबर में, जिसमें मैं आपको GK पब्लिकेशन का सॉल्यूशन देने वाला हूं, जिसमें मैं डेली 1 आवर लाइव आऊँगा इन इवनिंग एट लाइक 7 or 8 o'clock, ठीक है। तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी आगे दूंगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन द जनरेशन ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल अ बैरेक्टर डायोड कैन बी यूज फॉर, 120, तो इसका हो जाएगा आपका जनरेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए यूज, किस हम लोग बैरेक्टर डायोड भी लगा देते हैं, तो ये कौन सा सिग्नल जनरेट करता है, ये FM सिग्नल को जनरेट करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 120 तक क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व कराए हैं, और ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं आपको, ये 51 से लेके सॉल्व कराए हैं। 51 से सॉल्व क्यों कराए हैं, क्योंकि 51 से इसमें टेक्निकल का पार्ट है जो मेरे पास पेपर है, और इसके पहले का जो पार्ट है वो नॉन टेक्निकल 50 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे खैर मैं टेक्निकल पार्ट कवर कर रहा हूँ, तो आप उसकी केयर करिएगा और बहुत अच्छे से इस पेपर को लगाइएगा। और इससे रिलेटेड मैंने अभी तक मैं कम से कम 150 अराउंड मैंने लेक्चर्स के आसपास डाले हैं,
आप देख लीजिएगा कितने वीडियोस हैं, तो आप उन सभी को अच्छे से पढ़िएगा और जितना आप शेयर कर पाएँ करिए, ठीक है। आगे आने वाले जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जीके पब्लिकेशन स्टार्ट करवाऊँ ऑनलाइन, क्योंकि मेरे बैचेस तो चल ही रहे हैं, मैं बैचेस से पढ़ाता हूँ, जितने लोग ज्वाइन कर पाएँ जो झांसी के आसपास हैं डेफिनेटली आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, जो क्लास में क्वालिटी मिलेगी वो तो बहुत ही बेस्ट होती है। यहाँ पर तो मैं जो देता हूँ तो आपको जितना अच्छा आउटपुट कोशिश करता हूँ कि ऑनलाइन एक मिनिमम टाइम में दे पाऊँ तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, बट अगर आप झांसी के आसपास के हैं, ठीक है, जैसे झांसी के आसपास के 100-200 किलोमीटर के जितने भी क्षेत्र हैं, महोबा तक, मऊरानीपुर, ललितपुर, या फिर और भी जो क्षेत्र हैं हमारे आसपास के जालौन उड़ई साइड के या दतिया साइड, तो कोशिश आप करिएगा कि बेसिकली ज्वाइन करें तो आपको बहुत ही अच्छा आउटपुट मिलने वाला है। और आने वाले टाइम में मैं एक बहुत ही अच्छा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज इसका मिल पाए, ठीक है। तो सेट पेपर से तो आपको डेफिनेटली आपको आउटपुट अच्छा मिलता ही है, ठीक है। तो जब आप पूरे कंसेप्ट पढ़ लेते हैं उसके बाद सेट पेपर लगाएंगे तो आपको और भी अच्छा आउटपुट आप अपने आप को दे पाएंगे और ईजिली एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे, बिकॉज दीज एग्जाम्स आर नॉट अ बिग टास्क। तो आपको क्लियरली टेक्निकल बहुत अच्छा करना चाहिए, जिनका नॉन टेक अच्छा है और जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं वो टेक्निकल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, मैं आपके साथ हूँ डेफिनेटली, ओके। तो बहुत ही जल्द आपके पास आने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। टेक केयर, ओके, बाय, गुड नाइट।